नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक और नया वीडियो लेकर आया हूं, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात अगर टाइगर श्रॉफ की करें तो उनको पहचानने के लिए उनका एक्शन ही काफ़ी है। चाहे बात करें बागी मूवी की या बात करें वार की, तो उसी तरह एक नए मूवी गणपत के साथ वो नज़र आए हैं। और इस मूवी का जो कहानी है वो एक रियल सिटी यानी शहर की रचना पर आधारित है, जिसमें अमीरी गरीबी और छोटी बड़ी जाति के फर्क को समझाती है। इस मूवी में यह दिखाया गया है कि एक ऐसी दुनिया है जहां गरीबी की धरती पर पूरी तरह तिरपाल बिछा है और अमीरों की बस्ती में सिर्फ दर्जन भर लोग ही रहते हैं। ऊंची इमारतों में कोई नहीं दिखता और स्टेडियम पूरा भरा दिखाई देता है। कोई ऐसा शहर है जहाँ के लोग गरीब अंग्रेज जैसा नजर आते हैं और अमीर हिंदुस्तानियों जैसे। वैसे इसमें मुझे कुछ अलग नहीं लगा, और बॉलीवुड को ऐसे ही गालियाँ नहीं बढ़ती हैं क्योंकि उनका आदत एक पर एक घटिया मूवी बनाने का है। जब बॉलीवुड गिरने लगी तो एक तरफ बॉलीवुड पठान और जवान जैसी मूवी लाने के बाद बॉलीवुड को खड़ा किया गया, लेकिन फिर ऐसा ऐसा मूवी आने लगा जिससे लोगों में बॉलीवुड का क्रेडिट खत्म होते जा रहा है। छोटी मोटी गलतियां तो हर मूवी में होती रहती है, मगर इस मूवी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि टाइगर श्रॉफ एक्शन वाले हीरो है और एक्शन उनका बेस पॉइंट है, मगर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टाइगर श्रॉफ को डायलॉग बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन टाइगर साहब के लिए डायलॉग मैटर नहीं करता है, एक्शन से भी काम चल सकता है। अब जब मूवी में फ्यूचर को दिखाने की बारी आई तो भाई वीडियो में VFX भर भर के डाल दिया गया है। VFX भी जरूरी है, मगर जिस जगह डालना चाहिए वहां नहीं डाला, और जिस जगह नहीं डालना वहां डालने से क्या फायदा। वीडियो में ऐसा ऐसा सीन है जहां VFX डाल के वीडियो को एकदम गंदा बना दिया गया है। मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके हमें बताना कि भाई मैं क्या बोला और क्या निकला। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि वीडियो नए नए आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।